उसे सिर्फ एक वीडियो से 3 मिलियन सब्सक्राइबर मिल गए थे। हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में तो बने रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक आपको बताने वाले हैं जिसे आप गलती कर रहे हो। आप यूट्यूब चैनल बनाए हुए हो, मैं भी बनाए थे। कब बनाया था? 2018 में यूट्यूब चैनल बनाया था। और मेरा चैनल अभी तक ग्रो क्यों नहीं हुआ, और 3-4 साल से कैसे, 3 या 4 साल से मैं यूट्यूब पर कैसे मोटिवेट रहा, मैं आपको सारी अपनी कहानी बताने वाला हूँ। कि शॉर्ट वीडियो में पहले बना रहा था, पहले तो मैं जब एक ऐसा समय था जबकि माई फर्स्ट व्लॉग चल रहा था, मैं भी फर्स्ट व्लॉग बना रहा था और ट्राई कर रहा था और हर ट्रिक लगा रहा था। जो कोई बता रहा था उसकी हर एक ट्रिक आजमा रहा था, लेकिन मेरा वीडियो कोई वायरल होने वाला नहीं था और ना ही वायरल हो रहा था। आप भी इसी तरह करते रहे होगे, आपका भी चैनल कभी ग्रो नहीं होगा अगर आप इन गलतियों को करते हो। तो गाइस मैं यूट्यूब पे कौन सी गलती कर रहा था, स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, पूरी अपनी यूट्यूब जर्नी बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग से मैं कितनी गलती कर रहा था, कौन गलती कर रहा था, जिसकी वजह से आज तक मेरा यूट्यूब चैनल क्यों ग्रो नहीं हुआ। मैंने माई फर्स्ट व्लॉग छोड़कर कॉमेडी बनाई, कॉमेडी पे भी मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ, और मैंने फिर फेक्ट वीडियो बनाया और उस पे भी मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ। और मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं लॉन्ग वीडियो बनाकर अपनी, मतलब जैसे मुझे 3 या 4 साल यूट्यूब पर एक्सपीरियंस हो गया था, नॉलेज हो गया था कि माई फर्स्ट वीडियो कैसे, मतलब कि फर्स्ट वीडियो कैसे बनाई जाती है, यूट्यूब से बहुत ही जानकारी मुझे हो गई थी। तो क्यों मैंने सोचा कि मैंने जब फर्स्ट वीडियो, मतलब कि फेक्ट वीडियो अपलोड कर रहा था, जब कोई भी वीडियो शॉर्ट अपलोड कर रहा था, तो उन वीडियो में मेरी व्यूज नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मैं मतलब कुछ दिन तो वीडियो अपलोड करता रहा और वीडियो अपलोड करता रहा, लेकिन व्यूज नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो डिलीट कर देता था। डिलीट करने के बाद क्या होता था कि गाइस यार, अगर आप भी एक शॉर्ट क्रिएटर हो तो आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड करते रहना, 1 साल आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड करते रहना, यहाँ तक कि आपको शॉर्ट वीडियो डिलीट नहीं करने, भले उसमें तुम टैग थंबनेल अच्छे से नहीं लगाए हो, फिर भी आपको शॉर्ट वीडियो डिलीट नहीं करना, क्योंकि ना जाने वो वीडियो आपकी कब रैंक कर जाए और कब वो वीडियो आपकी वायरल हो जाए, क्योंकि यूट्यूब हर किसी की वीडियो ना जाने कब और कब वायरल कर देता है। किसी की वीडियो रात और दिन में भी रातों रात फेमस हो जाती है, उसकी वीडियो बहुत ही वायरल हो जाती है और मिलियन व्यूज और करोड़ों में सब्सक्राइबर एक दिन में या रात में कंप्लीट हो जाते हैं। गाइस तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको कोई भी, अगर यूट्यूब पर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग से लेकर आप जब तक आपका चैनल ग्रो नहीं हो जाता, आपको कोई वीडियो डिलीट नहीं करनी, बस आपको वीडियो अपलोड करनी रहनी है। आज जैसी बनाई इससे अच्छी बनाने की कोशिश करना है, और इससे अच्छा थंबनेल बनाने का, मतलब कि हर दिन से अच्छा आपको वीडियो कंटेंट, आपको हर दिन से अच्छा यूट्यूब पे अपलोड करते रहना है, बस कल अपलोड करते रहना, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो चाहे फिर लॉन्ग वीडियो हो, ये मायने नहीं रखता। गाइस मैं यही गलती कर रहा था कि मैं वीडियो डिलीट कर देता था, जिसकी वजह से मेरी वीडियो में, मतलब चैनल यूट्यूब था, वो कन्फ्यूज हो जाता था कि ये किस प्रकार की वीडियो बना रहा था। पहले मैंने कॉमेडी, फेक्ट, माई फर्स्ट व्लॉग, इसी तरह से बहुत सारे, मतलब कि हर प्रकार के गाने वाने, मतलब कि जिस यूट्यूब पर जिस प्रकार के वीडियो भी चल रहे हैं, मैं ये सब वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन किसी की भी, मतलब ट्रिक भी, हर ट्रिक आजमा चुका हूँ, शॉर्ट वीडियो की ट्रिक की थंबनेल, टैग, ट्रेंडिंग, मतलब कि जो कोई ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के वीडियो बनाओ और अच्छे से टैग, मतलब कि थंबनेल दूसरों का टाइटल देकर अच्छे से लिखो, मैं हर एक ट्रिक आजमा चुका हूँ। तो गाइस यार किसी भी ट्रिक से मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हुआ, तो मैंने जब से ये सोच लिया कि जब तक हमारा वीडियो अच्छा नहीं होगा, थंबनेल अच्छा नहीं होगा, हमारा कंटेंट अच्छा नहीं होगा, तो हमारी वीडियो 100% गारंटी है वायरल होने वाला नहीं है। जब तक हमारी वीडियो अच्छी होगी, कंटेंट अच्छा नहीं होगा, वीडियो कभी वायरल होने वाली नहीं है, चाहे तुम जो ट्रिक लगा लो। मैंने जब से सोच लिया कि यूट्यूब पर कोई ट्रिक नहीं होती, और दोस्तों आप भी ये सोच लो कि यूट्यूब पर ट्रिक लगाना छोड़ दो, क्योंकि यूट्यूब पर ट्रिक होती ही होती नहीं है। आप चाहे जब तक आप 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल आप मेहनत कर लो, ट्रिक लगा के वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको वीडियो कभी वायरल नहीं होगा। और गाइस मैं भी यही गलती कर रहा था कि 3-4 साल से दूसरों की वीडियो, बड़े बड़े यूट्यूबरों की वीडियो देख रहा था, उनकी ट्रिक लगाने का, मतलब कि वो जैसे बताते कि ऐसे लगाओ टैग, थंबनेल, हैश टैग्स ऐसे लगाया जाता है, उसी प्रकार ट्रिक लगाते मैंने सोचा एक दिन मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, लेकिन उसी की ट्रिक वजह से आज तक मेरा चैनल कोई ग्रो नहीं हुआ। आप भी यही गलती कर रहे हो, अगर अभी न्यू क्रिएटर हो तो आप गलती जरूर कर रहे होगे। तो गाइस यार मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो, आप चाहे लॉन्ग वीडियो बना रहे हो चाहे शॉर्ट वीडियो, ये मायने नहीं रखता, बस आपको उसमें कोई, मतलब कि यूट्यूब में आप सोच लेना है कि ट्रिक नहीं होती। आप बड़े बड़े यूट्यूबर ऐसा नहीं बताते, क्योंकि वो उनकी वीडियो वायरल हो चुकी हो तो इधर से लाकर ट्रिक आपको देते रहेंगे ताकि उनकी व्यूज और ज़्यादा आए, लेकिन ऐसा कोई नहीं बताएगा कि यूट्यूब पर कोई ट्रिक होता ही नहीं है। उन्होंने भी, जो आज बड़े बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं, उन्होंने भी 3-4 साल मेहनत की, तब आज जाकर इतने बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं, कोई ट्रिक लगाने से उनकी
एक हफ्ता या एक महीने में वीडियो ग्रो नहीं हो गए, चैनल ग्रो नहीं हो गए, उन्होंने भी मेहनत की। और आपको भी अगर एक यूट्यूबर, सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने का सपना है ना गाइस, तो आपको भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे वो शॉर्ट वीडियो में हो चाहे लॉन्ग वीडियो में। कोई भी ट्रिक लगाने से आपका ना शॉर्ट वीडियो वायरल हो जाएगा ना लॉन्ग वीडियो वायरल हो जाएगा। जब तक आपको पूरी जानकारी यूट्यूब के बारे में नहीं कर लेते, आपको पूरी मतलब सोच मतलब कि जैसे सोशल मीडिया की नॉलेज, और मतलब कि आप पूरी तरह से, जब तक छोटी बात आपको यूट्यूब की जानकारी नहीं होगी कि टैग कैसे लगाया जाता है, थंबनेल कैसे बनाया जाता है, वीडियो कैसे बनाए जाते हैं, शॉर्ट वीडियो मतलब कि किस प्रकार से रैंक करते हैं, जब तक आपको ऐसा नहीं पता चल जाएगा तो आपकी कभी भी वीडियो वायरल होने वाली नहीं है। और आप ऐसी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कीजिए जहाँ अभी तक मतलब कि यूट्यूब पे किसी भी बंदे ने अपलोड ना की हो, तब जाकर आपका कंटेंट वायरल होगा। और आप दूसरे का ही वीडियो लाकर और उसी का अपलोड कर रहे हो तो कभी कॉपीराइट आ जाएगा, उस पर अपना थोड़ा ना थोड़ा वॉइस ओवर कर दो। जैसे फेक्ड वीडियो भी अगर आप अच्छे से बना लेते हो तो फेक्ड वीडियो वायरल करो, फेक्ड वीडियो बहुत ही वायरल हो जाती है, उसमें सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं और व्यूज बहुत ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि उनमें मैंने एक बंदे का देखा था, उसे सिर्फ एक वीडियो से 3 मिलियन सब्सक्राइबर मिल गए थे। सोच सकते हो अब दोस्तों कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर हमारे 2 सब्सक्राइबर, 5 सब्सक्राइबर, 10 वीडियो, 50 वीडियो अपलोड करने से नहीं मिलते, उसके एक वीडियो से, सिर्फ मात्र एक वीडियो से 3 मिलियन सब्सक्राइबर छोटी बात थोड़ी है ना गाइस। इतने सब्सक्राइबर मिल गए एक दिन, वो सोच कितना खुश होगा। इसी तरह अगर आप फेक वीडियो भी बनाना चाहते हो तो आपको अच्छे से वॉइस ओवर करनी होगी, तभी आपका वीडियो वायरल होगा। जहाँ की ऐसा यूट्यूब को तुम्हें ऐसा कंटेंट देना पड़ेगा जहाँ तक कि अभी तक यूट्यूब में किसी ने बंदे ने अपलोड ही ना किया हो, तब आपका वीडियो वायरल होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला था कि यूट्यूब पर कोई ट्रिक नहीं होती, अगर आप ट्रिक लगाकर वीडियो अपलोड मतलब वीडियो वायरल करना चाहते हो तो आपके वीडियो कभी वायरल नहीं होगा। तो गाइस यार यूट्यूब पर ट्रिक लगाना छोड़ दो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दे।